हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो सबसे पहली चीज़, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। इस साल मैं न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन कर रही हूँ। सो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं टैरो रीडर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, वास्तु कंसल्टेंट हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ। सो आपको इस चैनल के ऊपर एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग के रिगार्डिंग वीडियोज़ या वास्तु फेंगशुई टिप्स के ऊपर वीडियोज़ मिलते रहेंगे। उसी के साथ साथ आप मुझे फॉलो कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम और इल्स ऑन फेसबुक। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स अवेलेबल है। मेरी वेबसाइट भी आप चेक कर सकते हो, जहाँ पर क्लाइंट्स के रिव्यूज़ हैं। एंड ऑल्सो ब्लॉग्स अवेलेबल है जोडियक साइंस के ऊपर, नंबर्स के ऊपर, एंजल नंबर्स के ऊपर भी। तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ मिल जाएगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि 2023 क्या है, क्या प्रभाव लेके आने वाला है ईच एंड एवरी नंबर के लिए। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, 2023, ठीक है, कहने को तो इसके लास्ट के 23 नंबर बहुत अच्छे हैं, ठीक है। बट ध्यान रखिएगा, इस साल आपने 2023 नहीं लिखना है। अगर हो सके, आपको मौका मिले, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप डेट महीना लिखोगे और 23 खाली लिखोगे। 23 को जब भी हम ऐड करते हैं, 2 + 3 = 5 बन जाता है। बहुत शुभ नंबर माना जाता है न्यूमरोलॉजी का ये। वहीं जब हम 23 + 2 कर देते हैं, जैसे कि 2 + 0 + 2 + 3 = 7 हो जाता है, जो कि केतु महाराज का नंबर है। केतु देव के बारे में मैं आपको बस कुछ ही देर में बताऊंगी, बट पहले मैंने ना सारे पॉइंट नोट डाउन करके रखे हैं। भैया, 2023 को लकी ऑस्पिशियस बनाने के लिए क्या करना है, चाहे आपका कोई भी नंबर हो, आपने ये उपाय करने ही करने हैं ऑल ओवर करियर को सपोर्ट और गुड लक देने के लिए। सबसे पहली चीज़ मैंने बता दी, लिखना 23 है, 2 3 आप लिखोगे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने मिलेंगे। एक सपोर्ट बन जाएगी, क्योंकि आप केतु को ज़्यादा एक्टिवेट नहीं कर रहे हो, आप 5 नंबर को एक्टिवेट कर रहे हो। तो जितने भी लोग बिजनेस में हैं, कम्युनिकेशन बढ़ाना चाहते हैं, जॉब में भी हैं, प्रमोशन भी चाहते हैं, जो भी हो, एक ऑस्पिशियस नंबर आप ऐड करोगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने मिलेंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं केतु को एक पाप ग्रह ही माना जाता है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम उस ग्रह को ज़्यादा एक्टिवेट ना करें। हम दूसरे रूपों से शुभ नंबरों को, शुभ ग्रहों को एक्टिवेट करने की कोशिश करेंगे इस साल में, तो शुभ और अच्छा माना जाएगा, सपोर्ट रहेगी। केतु के जो अच्छे पॉइंट्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, और उसे भी कैसे एक्टिवेटेड रखना है आपके जीवन में वो भी हम जानेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सबसे पहला पॉइंट 2023 का, ध्यान रखिएगा। अब है केतु महाराज का नंबर। केतु क्या है? केतु को कहा जाता है, राहु अगर सर है तो केतु उनका शरीर, या कुछ लोग उसे केतु टेल भी कहते हैं, तो अलग अलग प्रभाव के नाम है। बट केतु की कैसी एनर्जी है, उसे हम कहते हैं रिसर्च के लिए, एनालिसिस के लिए, डीप थिंकिंग के लिए। कहते हैं कई बार कोई अनवांटेड बीमारी हो जाए, हमें पता नहीं भाई ये बीमारी क्यों हुई है, इसका हमें इलाज नहीं मिल रहा, हमें ये डायग्नोज नहीं कर पा रहे इस बीमारी को, केतु महाराज इसके कारक हैं। कई बार आपके जीवन में आप देखोगे अननेसेसरी प्रॉब्लम हो रही है, काम होते होते रुक जाते हैं, इसके लिए भी केतु जिम्मेदार है। तो कहीं ना कहीं केतु का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रभाव माना जाता है इन एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो एंड इन न्यूमरोलॉजी ऑल्सो। सो केतु महाराज का जब ये साल आ रहा है, तो ये अपने आप में पहली चीज़ तो ये मत सोचिएगा कि भाई बुराइयाँ ही लेके आ रहा है। नहीं 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 केतु महाराज को अगर आप सही तरीके से एनर्जीज को जितना कोशिश करोगे अलाइनमेंट में करने के लिए, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। बिकॉज केतु आपका धार्मिक भी है, केतु स्पिरिचुअलिटी भी है, केतु आपके मन का इंट्यूशन से कहते हैं ना, शक्तियाँ, तांत्रिक शक्तियाँ, इंट्यूशन की शक्तियाँ, और भी धार्मिक शक्तियों के सबके कारक केतु महाराज है। केतु की कहीं कहीं प्लेसमेंट या केतु के कहीं कुछ कॉम्बिनेशन इन न्यूमरोलॉजी ऑल्सो बहुत हद तक इंसान का कैरेक्टर, एनर्जीज, नेचर एंड स्वभाव बता देते हैं। शांत स्वभाव के भी माने जाते हैं केतु। केतु बहुत ज़्यादा सोशल नहीं है, वो बहुत ज़्यादा बाहर दिखावा नहीं, केतु अपने अंदर काम करना पसंद करते हैं। तो जब आपके जीवन में केतु एक्टिवेट होते हैं, तो वो आपको अंदर से काम करना सिखाएंगे, भाई इंट्यूशन से, डीप एनालिसिस। आप लोगों को बोलते नहीं फिर भी मुझे ये करना है, वो करना है, मेरे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, नहीं। केतु थोड़ा सा इंट्रोवर्ट है, केतु डीप एनालिसिस जानता है, वो डीप रिसर्च जानते हैं। सो केतु की एनर्जी बहुत बहुत ही ज़्यादा एक मैं कहूँगी कि ऐसा होता है जैसे कि इंसान अपने केव में बैठ के रिसर्च कर रहा है, एनालिसिस कर रहा है, साइंटिस्ट हो गए, रिसर्चर्स हो गए, उस टाइप की डीपर एनर्जीज को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो अब आपके नंबरों के साथ में कैसे कैसे प्रभाव इसके बनेंगे वो हम जानेंगे, बट पहले हम और एक पॉइंट पर चलते हैं। केतु महाराज का सबसे पसंदीदार उपाय कहा जाता है डॉग्स की सेवा।
डॉग्स की सेवा आप जरूर 2023 में करें, वैसे तो जब हर साल हर समय करो, बिकॉज आई एम अ डॉग लवर, ओके। बट अगर आपको डॉग्स पसंद नहीं है, मेरे पास बहुत से लोग ऐसे आते जो कहते हैं हम आई डोंट लाइक पेट्स, आई डोंट लाइक कैट्स, आई डोंट लाइक डॉग्स, हम नहीं दे सकते, हमारे एरिया में डॉग्स नहीं। जैसे अब्रॉड आप चले जाओगे, अब्रॉड में इजिली स्ट्रीट डॉग्स अवेलेबल नहीं है। जितने लोग के आसपास में डॉग्स हैं, ज़रूर डॉग्स की सेवा करें, एंड स्पेशली वो लोग तो ज़रूर करें जिन्हें पता है उनकी कुंडली में काल सर्प दोष है, केतु की दशा चल रही है, केतु का प्रभाव चल रहा है, या सेवन नंबर हैं ऑलरेडी, या उनका डेस्टिनी नंबर सेवन है, वो तो ज़रूर करें डॉग्स की सेवा। उनको सिर्फ लाभ ही लाभ मिलेगा, कुछ बुराई नहीं होने वाली है। किसी पंछी जानवर को खिलाने से कभी बुरा नहीं होता है, सिर्फ आपके ही बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। तो ज़रूर ये उपाय आप कीजिएगा। एंड उसी के साथ साथ जितने लोग नहीं कर सकते हैं, वो और भी किसी प्रकार का दान पुण्य कर सकते हैं। कोई फिजिकल नीड में किसी को हेल्प चाहिए, किसी को मनी वाइज हेल्प चाहिए, तो चैरिटी जितनी हो सके, कोई भी संस्था, गुरुद्वारा, मंदिर, जहाँ पर भी आप चाहें, वहाँ पर सेवा दान पुण्य ज़रूर करना है। केतु के महा से महा उपाय का आपको यहाँ पर आपको रिजल्ट आसानी से मिलता रहेगा, और एक आपको खुद ही फील होगा भाई, जब आप दान करके आओगे ना, आपको लगे भाई कुछ महीनों में आपके काम बनने लग जाएंगे, आपको पॉजिटिविटी फील होगी, आपको लगेगा नेगेटिविटी कम हो रही है। तो ये सबसे सेकंड महा उपाय माना जाएगा 2023 का, जो आपको ज़रूर करना चाहिए। अगर आप हर रोज़ नहीं दे पाओगे कोई भी दान पुण्य, महीने में एक बार दो, हफ्ते में एक बार दे लो, नो प्रॉब्लम, बट इसे कंसिडरेशन में ज़रूर रखना। दान पुण्य सेवा ज़रूर करनी है 2023 में, केतु महाराज का सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडी ये मानी जाती है। अब इसके साथ में मैंने काल सर्प दोष का पॉइंट भी कवर कर लिया है। जो 2023 है, इन सब के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इंट्यूशन भी आपका बढ़ने वाला है। आपको लगेगा कि भाई आप ज़्यादा इंट्यूटिव हो रहे हो, मेडिटेशन कीजिएगा, योगा कीजिएगा, धार्मिकता को ज़रूर 2023 में ऐड कीजिएगा। चाहे वो कोई बुक्स पढ़ना हो गया, कोई एनालिसिस हो गया, कोई वीडियोस देखना हो गया, कुछ भी हो गया, आप कोई भी जीवन की परेशानी में ना, उस पर रिसर्च करना, सोचना, अपने बड़ों से बात करना, ज्ञान लेना, ज्ञान या कुछ नई चीज़ें सीखना, स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट आना। बहुत लोग हो सकते हैं कि नो स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट और अपना उनका बढ़ जाए, हमें न्यूमरोलॉजी सीखनी है, हमें एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, हमें टैरो सीखना है, हमें हीलिंग करनी है, या अपने आप के ऊपर आप काम करने की कोशिश करोगे, योगा, मेडिटेशन, वॉकिंग, रूटीन में आने की कोशिश करोगे। केतुदेव को रूटीन्स बहुत पसंद हैं, तो ये अपने आप में आपकी नो एनर्जीज ऐसी होती जाएंगी जहाँ पर यू रियलाइज कि हमें अपने ऊपर काम करना है, हमें अपने आप को डेवलप करना है। तो आपकी एनर्जी भी बाहरी दुनिया से, वो क्या मेरे बारे में सोच रहा है, मैं ऐसा करूँगा तो वो क्या करेगा या कहेगी, इससे हटकर आपकी एनर्जीज ऑटोमेटिकली 2023 में खुद के ऊपर आएंगी, सिर्फ अपने ऊपर कि नो हम खुद को कैसे स्ट्रांग बनाएं, बेहतर करें, अपना ज्ञान बढ़ाइए, अपनी स्पिरिचुअलिटी बढ़ाइए, अपनी ऑरा स्ट्रांग कीजिए। जो भी मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो, जब आप इस सहारे से लेकर करोगे ना, बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट्स आपको अपने आप में मिलेंगे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। लर्न समथिंग न्यू भी हो चुका है, मेडिटेशन भी हो चुका है, इंट्यूशन की इंपॉर्टेंस भी हो चुकी है। अब एक और चीज़, टैरो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, तीनों पथ पर कहा जाता है केतु महाराज जब भी एक्टिवेट होते हैं तो कहीं ना कहीं ओवरथिंकिंग बढ़ा भी देते हैं। तो इस ओवरथिंकिंग को हमें कम कैसे करना है? आपको लगेगा कि भैया थोड़ा सा ना, जितने भी लोग थोड़ा सा आपको लगता है कि आप जल्दी डिप्रेस हो जाते हो, जल्दी टेंशन में आ जाते हो, तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत ध्यान देना है इस साल में कि अपनी कोशिश कीजिए, जैसे ही आपको लगता है कि यार बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग होगी, पता नहीं ये थॉट मेरे दिमाग से जा ही नहीं रहा है, मैं क्या करूँ, ओवरथिंकिंग हो रही है, जस्ट इग्नोर इट। मैं रिपीट करती हूँ, इग्नोर कीजिएगा, अपनी ओवरथिंकिंग को बैठ के माइंड में सॉर्ट आउट करने की कोशिश मत करना, बिकॉज वो सिर्फ केतु एक्टिवेटेड है जहाँ पर आपको लगेगा भाई मुझे ओवरथिंकिंग क्यों हो रही है। अगर हो भी रही है, साल में कभी भी हो रही है, आई नो आजकल का ज़माना ऐसे, ओवरथिंकिंग कभी भी किसी को भी होती ही रहती है। एक्चुअली मैं कहूँगी आजकल का टेंशन स्ट्रेस इतना चल रहा है कि हमें कोई ना कोई बात पे दिमाग चलता ही रहता है, रुकता कहाँ है, दिमाग तो ऑल टाइम चलता है, लेकिन तब भी इसको एनर्जीज को बैलेंस कैसे रखना है, ये ओवरथिंकिंग को, जिनको स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, लो फील करते हैं, डल फील करते हैं, तो 2023 आपको और उस डीप एनालिसिस में और ना खींचे ओवरथिंकिंग में, तो आपको अपवर्ड्स एनर्जीज अपनी कैसे रखनी है। 2023 का सबसे बड़ा पावर यही है, स्पिरिचुअलिटी, इंट्यूशन, मेडिटेशन, हीलिंग पर फोकस डेली आपने अपने आप को एक घंटा देना ही देना है सेल्फ डेवलपमेंट को। आप मानोगे नहीं, 2023 आपके लिए इतना पॉजिटिव बन जाएगा, इतना पावरफुल बन जाएगा, आप कहोगे कि यार मेरा आज तक इतने साल अच्छे नहीं गए जितना मुझे 2023 ने दे दिया है। बस आप ये एक घंटा खुद को दे देना, खुद के एनालिसिस, कहते हैं ना सोल, माइंड एंड बॉडी के ऊपर अपनी काम करना, 2023 में आपकी जितनी भी हीलिंग है ना, वो ऑटोमेटिकली बहुत जल्दी रिकवरी होगी और आपको कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा। बस आप अपनी रूटीन पे कवर अप रखना, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे।
तो ये एस्पेक्ट भी हमने क्लियर किया है स्ट्रेस का। यहाँ पर आपने क्या करना है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब जितने भी लोग इस फील्ड में हैं, जो लोग रिसर्च में हैं, क्रिएटिव लाइन में हैं, स्पिरिचुअलिटी में हैं, उन्हें लगता है कि नो कि हम एक मैं कहूँगी कोई भी सिंगिंग डांसिंग एनालिसिस किसी भी इस टाइप के फील्ड में हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के कामों में भी हैं, उन लोगों के लिए भी ये साल बहुत एक पुश लेकर आएगा, पॉजिटिविटी लेकर आएगा, सपोर्ट लेकर आएगा, और आपका इंट्यूशन क्रिएटिविटी काम बहुत बढ़ने वाले हैं। चाहे आप होटल मैनेजमेंट कह लो, ज्वेलरी आइटम्स कह लो, खुद के ऊपर काम करना कह लो, ब्यूटी कह लो, ये सारा क्षेत्र बहुत खूबसूरती से बढ़ने वाला है। केतु महाराज को क्रिएटिविटी का भी कहा जाता है क्योंकि इंट्यूशन है, एनालिसिस है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको इन करियर फील्ड्स में भी मिलेंगे। अब एक और चीज़, जितने भी लोग अब्रॉड भी जाना चाहते हैं, प्लान करें कि भाई 2023 में हमें अब्रॉड जाना है, अब आपके पर्सनल नंबर्स जो होंगे बर्थ नंबर उसके साथ भी मैं कंबाइन करके आपको और अच्छे से बताऊंगी कि भाई कितना पोटेंशियल बढ़ रहा है, बट ऑल ओवर 2023 की एक वाइब ज़रूर रहेगी ट्रैवल की। आप जितने भी लोग ट्रैवल प्लान कर रहे हो, सिटी चेंज करना चाहते हो, कंट्री चेंज करना चाहते हो, आपको एक भी 2023 में बड़ा ट्रैवल करना है, हमें अब्रॉड जाना है, तो अभी तक आपके अब्रॉड जाने के काम जो अटके हुए थे 2023 में, बहुत हाई चांसेस है कि वो बन जाएंगे और उसमें आपको अच्छा रिजल्ट्स देखने मिलेगा। सो ये कुछ मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे आप लोगों के साथ शेयर करने थे 2023 की वाइब एंड एनर्जीज कैसे रहने वाली है और आप उसको कैसे चैनलाइज कर सकते हो ताकि आपको पॉजिटिविटी मिले। तो ज़रूर ज़रूर इस पैटर्न को आप यूज टू हो जाइए, इसे ट्राई कीजिए, कोशिश करिए, क्योंकि कहीं ना केतुदेव आपको लेजी बनाने की भी कोशिश करेंगे। इसीलिए अपनी विल पावर, अपना पुश, अपनी रूटीन आप पक्की रखोगे ना तो चीज़ों को बहुत खूबसूरती से मैनेज कर लोगे और बैलेंस कर लोगे और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, अब हम वन बाय वन आगे आप न्यूमरोलॉजी की सीरीज एंड नंबर्स के बारे में जानेंगे। थैंक यू सो मच। हेलो, नंबर सिक्स जिसे हम कहते हैं मूलांक छः भी, ये मूलांक छः बनता है तब जब आप किसी भी महीने की 6 तारीख, 15 तारीख या 24th को बॉर्न है, तो आप मूलांक छः कहलाए जाएंगे। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नंबर छः जो आप हैं 2023 आप लोग के लिए कैसा रहेगा? देखो, 2023 टोटल करके नंबर 7 बनता है और यहाँ पर आप है नंबर 6। शुक्र और केतु की युति कैसी रहेगी न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग इन 2023? समझने की कोशिश कीजिए, शुक्र देव एक ऐसे प्लैनेट है नो जहाँ पर हम कहते हैं क्रिएटिविटी होती है, ब्यूटी होती है, सुंदरता होती है, क्रिएटिव काम होते हैं। यू नो हम कहते हैं ना शुक्रवार को मूवीज़ रिलीज होती हैं, शुक्रवार क्या है, फ्राइडे, हम उसे शुक्र कहते हैं, वही शुक्र का दिन कहा जाता है। सो मीडिया इंडस्ट्री, क्रिएटिव इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री, ये सब इन्हीं के अंडर में आती हैं। वहीं केतु देव है, केतु देव एक ऐसी कैटेगरी में आते हैं जहाँ पर क्रिएटिविटी भी होती है, साथ में एनालिसिस भी होता है, साथ में लेकिन इंट्रोवर्ट एनर्जीज होती है, इन वर्ड्स की तरफ एनर्जीज होती हैं। सो यहाँ पर 2023 में नंबर 6 वालों को बहुत कोशिश करनी है अपनी तरफ से कि वो बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से ये सोचकर काम ना करें कि भाई हमें पैसा कमाना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है, अपने लालच में या अपनी चीज़ों की सिर्फ डिज़ायर्स में दूसरी चीज़ों को हद से ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, बैलेंस बनाकर चलना होगा। बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है आपकी रूटीन में। आप सक्सेस और प्रमोशन को पाने की कोशिश करें, चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे जिस भी आप फील्ड में हो, चाहे पैसे कमाने का जो आपको करना है करो, लेकिन बैलेंस के साथ। जहां आपको लग रहा है आपके सपने ही आपको परेशान करने लग गए हैं, आपके सपने अगर पूरे नहीं हो रहे हैं तो आप रेस्टलेस हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, इरिटेट हो रहे हो, रिश्तों पर इफेक्ट पड़ रहा है, ये चीज़ आपको इरिटेट करेगी। बिकॉज कहीं ना कहीं शुक्र चाहेगा, 6 नंबर चाहेगा कि उसके सपने जल्दी पूरे हो, जो उसकी इच्छा है उसे जल्द से जल्द मिले। वहीं केतु आपके कामों में डिले ला सकता है 2023 में, तो आपको पेशेंस रखना होगा। देखो, करियर में उतार चढ़ाव 2023 में आपको एक्सपीरियंस करना पड़ सकता है, या ये समझ लो काम आपके थोड़ी देरी से बनेंगे, बहुत जल्दी जल्दी में नहीं बनेंगे। संयम और पेशेंस लाना होगा आप लोगों को 2023 में। बाकी ऊपर वाले की कृपा से यू नो ये जो स्लो वाली एनर्जीज है आप कम ही एक्सपीरियंस करो। सब में अच्छी टिप्स मैं आपको दे दूंगी, जो मैंने इंट्रोडक्शन में भी दिए, वो भी आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, जिससे वो प्रभाव कम रहेंगे आपके जीवन में। नंबर 6 वालों के लिए देखो, करियर में उतार चढ़ाव दिखते हैं या डिलेज दिखाई पड़ते हैं, लेकिन आपके रिश्तों में सुधार आ सकता है। वो कैसे? देखो, यहाँ पर नंबर 6 के जीवन में अगर आप सुधार, इम्प्रूवमेंट, लव, रोमांटिक लाइफ को अच्छा रखना चाहते हो, तो एक चीज़ का ध्यान रखना, कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करना। वैसे तो आप 6 नंबर हो, मदर की तरह केयर भी करते हो, कॉम्प्रोमाइज़ भी करते हो, लविंग भी रहते हो, केयरिंग भी रहते हो, सब कुछ है, लेकिन यहाँ थोड़ी और सावधानी आपको रखनी होगी। केतु देवा रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर क्या होगा, अगर आपको लगता है आपका और आपके पार्टनर के बीच में कनेक्टिविटी कम हो रही है, अगर हो रही है, तो कुछ नहीं हो रहा तो कुछ मत करो। अगर लगेगा 2023 में ये हो रहा है, ऑलरेडी आपको लग रहा है आपका रिलेशनशिप कमज़ोर हो रहा है और आगे जाके भी आपको डर है कि भाई ये कमज़ोर तो नहीं हो जाएगा,
चेंजेस तो नहीं आ जाएंगे, टूट तो नहीं जाएगा। तो उस समय में अपने रिश्तों में धैर्य रखिएगा अगर आप और आपके पार्टनर दूसरे से स्पेस चाहते हैं। बिकॉज देखो, नंबर 7 एनालिसिस लेके आएगा रिलेशनशिप में। जहाँ पर भी प्रॉब्लम है, दोनों को पहले सेपरेट बिठाएगा, लोनलीनेस ले आएगा, कहेंगे दोनों की बात नहीं हो रही। दोनों पार्टनर अपनी अपनी जगह पर सोचेंगे, विचार करेंगे कि भाई प्रॉब्लम है क्या, डीपर एनालिसिस करेंगे। हो सकता है 1-2 महीना बाद ना हो, कुछ महीने बाद ना हो। देन जब रिकनसाइल होगा तो ज़बरदस्त रिकनसाइल होगा। ये यहाँ पर रोमांटिक एनर्जीज फिर से ले आएगा, फिर से चीज़ों में सुधार ले आएगा। लेकिन यहाँ पे आपको पेशेंस रखना होगा। अगर फिर से नंबर 6 पीछे पीछे भागता रहा पार्टनर के, नहीं नहीं बात करो, अभी करो, क्यों नहीं कर रहे, तो यहाँ पर आपको स्पेशली पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है नंबर 6 वालों को अपने, यू नो, इस 2023 के ईयर में। जितना पेशेंस रखोगे, आपके आसपास की जो भी सिचुएशन चीज़ें होंगी उसको एक्सेप्ट करते चले जाओ, फ्लो में होने दो। यू नो, देखो, ये साल सिंपल मैं लैंग्वेज में कहूँगी, मैं आपको कुछ डरा नहीं रही हूँ, कुछ भी नहीं कर रही हूँ, सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। जितना आप अपने ऊपर काम करोगे, जितना आप सब्र से, जितना आप रूटीन से, जितना आप स्टेबल होगे, चुपचाप शांति से चलोगे, ये साल आपका न्यूट्रल बीतेगा। ना मैं इसे बहुत अच्छा, ना मैं इसे बहुत बुरा कह रही हूँ, न्यूट्रल साल रहेगा 2023 आपके लिए। एक और चीज़ का आपने ध्यान देना है, हेल्थ वाइज कोई भी, यू नो, आपके मैं कहूँगी स्पेशली जो फीमेल्स हैं, पीरियड्स रिलेटेड प्रॉब्लम रह सकते हैं, या ऑलरेडी अगर हैं तो उसकी मेडिसिन ध्यान ज़रूर दें। किसी ना किसी प्रकार की फीमेल प्रॉब्लम जो होती हैं वो आपको रह सकती हैं, हो सकती हैं। मेल में पर्सनालिटीज़ में भी ब्लड रिलेटेड या प्राइवेट पार्ट रिलेटेड कोई ना कोई हेल्थ इश्यू अराइज हो सकता है। अगर होता है तो उसका केयर एंड सिस्टमैटिक जो भी ट्रीटमेंट हो वो आप ले सकते हैं। अदरवाइज मैं हमेशा कहती हूँ कि नो, चीज़ों को सुनकर आप हमेशा कोशिश करें कि आप पॉजिटिव रहें, आप प्रार्थना करें और हैप्पी रहें। कि नो, कई बार योग बनते हैं, लेकिन आपकी पॉजिटिविटी, आपकी प्रार्थना, आपके मन की सच्चाई, आपके अच्छे कर्म कई बार वो काट कर भी ले जाते हैं उस पाप प्रभाव को, और आप पे असर भी नहीं पड़ता। सो आपकी पॉजिटिविटी, पॉजिटिव थिंकिंग बहुत मैटर करती है, ठीक है? तो ये चीज़ों का भी आपने ध्यान देना है। देखो, उसके अलावा मैं चीज़ आपको ज़रूर कहना चाहूँगी, कहीं ना कहीं 2023 में जितने भी 6 नंबर कोई ना कोई क्रिएटिव लाइन में है, क्रिएटिव बिजनेसेस में है, क्रिएटिव जॉब में है, आप लोग के लिए करियर बहुत अच्छा उठ सकता है। आपकी क्रिएटिविटी बहुत बढ़ेगी। जब आपकी क्रिएटिविटी और एनालिसिस बढ़ जाएगी तो उसी तरीके से आपका काम का आउटपुट बढ़ जाएगा। काम का आउटपुट बढ़ेगा तो आपको उस फील्ड में ज़रूर अच्छी सक्सेस मिलेगी, अच्छा आपको, यू नो, भाग्य उसमें देखने मिलेगा। सो क्रिएटिव लाइन वालों के लिए ये साल ऑटोमेटिकली एक अच्छा एनालिसिस रिसर्च का माना जाएगा, आप लोग के लिए फेवरेबल रहेगा ये साल उन सारे क्षेत्र में। उसके अलावा थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रह सकता है। देखो, जो भी काम आप करने जाओगे, आपको लगेगा भाई थोड़ा सा अटकन हो गया, ये इशू हो गया। देखो, इसको ईजी रखने के लिए आपने क्या करना है, हो सके तो ज़रूर जिस भी भगवान को आप मानते हो उनका कोई भी तिलक लगा सकते हो। कुछ नहीं समझ में आता है तो चंदन का टीका आप लगाया करें, बहुत अच्छा माना जाता है। शुक्र को स्ट्रांग करता है, मन भी शांत आपका रखेगा, पॉजिटिविटी भी आपको देगा। भैया ये भी नहीं कर सकते हैं, क्या करें, बस अच्छी सी परफ्यूम अपने आप इन्वेस्ट करना 2023 में। इससे आपका शुक्र बढ़ेगा, शुक्र और स्ट्रांग होगा आपको, और लग्जरीज लाइफ में अट्रैक्ट होंगी। वो नंबर की जो आपकी खासियत है वो अट्रैक्टेड रहेगी। कोई भी शुभ काम आप करने जाएंगे 6 नंबर वालों, 6 या 5 तारीख को करना, सम टोटल करके 6 या 5 तारीख आनी चाहिए। 6 नंबर हो गया आपका, 15 नंबर हो गया, 24 नंबर हो गया, वैसे 5 नंबर हो गया, 14 नंबर हो गया, 23 नंबर हो गया, कोई भी डेट का, इन सारे डेट्स पे आप काम प्रेफर कीजिएगा तो और अच्छे से लकीली हो जाएगा। 7-8-4 को आपने थोड़ा अवॉइड करना है इस फैमिली कॉम्बिनेशन को, तो जो भी रिजल्ट्स, जो भी आउटपुट आप देखना चाहते हो आपको आपके फेवर में देखने मिलेंगे। ओके, नंबर 6, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है 2023 के लिए। आई होप इससे आप कनेक्ट हो पाए हैं, स्पेशल इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाई है, इसे आप अप्लाई भी कर लोगे और अपनी लाइफ में गुड गुड एंड पॉजिटिव चेंजेस आप देखेंगे। थैंक यू सो मच।